लद्दाख का हानले इलाका अब हिंदुस्तान के नक्शे पर खास पहचान हासिल करने जा रहा है। यहाँ का करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया अब डार्क स्काई रिजर्व कहलाएगा, मतलब इस इलाके को एस्ट्रो पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। मैं इस वक्त हैनली लद्दाख में हूँ। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये जगह है, लेकिन यहाँ आसपास हर तरफ आपको हैनली ऑब्जर्वेटरी की अलग अलग टेलीस्कोप्स नज़र आएंगी। मेरे पीछे जितना भी ये इलाका है, यहाँ पर कई सारी टेलीस्कोप्स हैं जिनसे सितारों, सयारों और गैलेक्सीज यानी आकाश में जितनी भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको देखा जा रहा है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर स्काई है, इस बहुत कम पोल्यूशन है आसमान या आकाश का इस पूरे इलाके में, यही कारण है कि इस जगह को 1996 में चूज़ किया गया था एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। खास बात यह है कि इस इलाके में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। रात के वक्त यहाँ आसमान में सितारे साफ साफ दिखाई देते हैं, इसलिए लद्दाख प्रशासन इस जगह पर डार्क स्काई सेंचुरी बनाना चाहता है, एस्ट्रो टूरिज्म को डेवलप करना चाहता है। अब ये भी जान लीजिए डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है। दरअसल डार्क स्काई क्षेत्र में ऊर्जा खर्च किए बगैर और जरूरत के हिसाब से रोशनी की प्राकृतिक व्यवस्था की जाती है। यह रात को स्वाभाविक तौर पर अंधेरा और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। डार्क रिजर्व जो है इस पूरे हैनली का जो इलाका है, 1000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जो है डार्क रिजर्व रखा जाएगा, ताकि जो इस इलाके के आसपास 1000 किलोमीटर में चाहे रिहायशी बस्तियां हो, चाहे फौजी ठिकाने हो, चाहे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनको किसी कायदे और कानून के तहत लाइटों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि पोल्यूशन जो लाइट का है पूरे इस पर्यावरण में रह रहे और इस ऑब्जर्वेटरी में बेहतर व्यू जो है सितारों और सयारों का मिल पाए। लद्दाख से कोलैबोरेशन करके इस यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टेलीस्कोप्स अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जाहिर है डार्क स्काई रिजर्व शोधकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूर दूर से सैलानी भी यहाँ का रुख करेंगे, जिससे इस इलाके का विकास भी होगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।